सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि 90% लोग ट्रेडिंग में, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। अब अगर आप रीज़न पूछेंगे, उनसे पूछेंगे क्या कारण है कि आपके हमेशा लगातार लॉस होते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं, दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे देखने को मिलती होगी कि सर जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ, फॉर एग्जांपल रिलायंस को जैसे ही मैंने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया, थोड़ा सा ऊपर जाता है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं दिखाता है और उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है। जैसे ही सेल करता हूँ थोड़ा सा मार्केट नीचे जाता है, फिर उसके बाद ऊपर चला आता है। मतलब कहने का क्या है कि जैसे ही ट्रेड लेता हूँ ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाने लगता है। अब देखिए दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आपको स्टॉक सेलेक्ट करना नहीं आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास दुनिया का चाहे जितना बढ़िया सिस्टम हो, आपके पास दुनिया का चाहे जितना बढ़िया स्ट्रैटजी हो, अगर आपका स्टॉक वॉलेटाइल नहीं होगा, अगर आपका स्टॉक मूवमेंट नहीं करेगा, तो कोई भी स्ट्रैटजी काम नहीं करने वाली है। और फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी है कि लोग इसी की वजह से कंसिस्टेंट बेसिस पे लगातार उनका लॉस हो रहा है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एंड बहुत ही इफेक्टिव इंट्राडे का स्टॉक सिलेक्शन मेथड बताने वाला हूँ, जिससे कि आप एक दिन पहले बहुत ही अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, दुनिया की चाहे जितनी बढ़िया स्ट्रैटजी हो, अगर आपके पास बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन का मेथड नहीं होगा, आपके पास कुछ अच्छे स्टॉक नहीं होंगे, उसमें मूवमेंट या वॉलेटिलिटी नहीं होगी, तो कोई भी स्ट्रैटजी काम करने वाली नहीं है। सो हम लोग जो मेथड कवर करने वाले हैं, एक स्क्रीनर में आपको बताऊंगा, मैक्सिमम आपको 5 से 7 मिनट लगने वाला है। आप बहुत अच्छे एंड सुंदर स्टॉक्स निकालने वाले हैं, जिसको कि आप यूज़ करके अगले दिन के लिए बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स निकाल सकते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, आपके जो भी स्टॉक्स निकलेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स को फिल्टर करने के बाद आपके कुछ ही स्टॉक्स निकलने वाले हैं, और वो स्टॉक्स इतने ज़्यादा बढ़िया होंगे अगर आप अगले दिन उसको फोकस करके ट्रेडिंग करेंगे, कि आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगी। सो फ्रेंड्स, अभी चल रहा है 2022 और वीडियो स्टॉक सिलेक्शन की एक दिन पहले वाली बनी है, 2 साल 3 साल 4 साल पहले, और वो कहीं ना कहीं जो मेथड्स हैं ना, वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। अगर आप 2022 में ट्रेडिंग करते हैं आफ्टर कोविड एंड आफ्टर दिस वॉर ऑफ जापान एंड यूक्रेन, तो मार्केट बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, नए लोग बहुत ज़्यादा हैं, जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। तो इस वीडियो में आपको एक नया मेथड मिलने वाला है कि कैसे आप बहुत बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जाने से पहले हम लोग का कुछ एम रहेगा। एम क्या है कि हम लोग का एम है एटलीस्ट 5000 लाइक, सभी को एक एक लाइक करना है, 5000 लाइक हम लोग का एम है, और आप सभी लोगों को वीडियो को 4 लोगों को शेयर करना है। कितने लोगों को? केवल 4 लोगों को। और साथ में फ्रेंड्स, आपको कमेंट करना है कि आप इससे पहले स्टॉक सेलेक्ट कैसे करते थे। अगर कोई क्वेरी अलग है तो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। हम लोग का एम रहेगा एटलीस्ट 1000 कमेंट का। तो क्या है, 5000 लाइक, 4 लोगों को शेयर करना एंड एटलीस्ट 1000 कमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको गूगल पे आके टाइप करना है investing.com। आप जैसे investing.com टाइप करेंगे ना, पहली लिंक हमें ओपन करनी है, आप यहाँ पे साइन अप कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको जाना होगा टूल्स के सेक्शन में। हम लोग जैसे ही टूल्स के सेक्शन में जाएंगे, आपको यहाँ पे एक नई विंडो खुल के आएगी। आप फिर यहाँ पे दोबारा जाएंगे टूल्स में, और हम लोग क्लिक करने वाले हैं स्टॉक स्क्रीनर पे, है ना। इन्वेस्टिंग का स्क्रीनर बहुत बढ़िया, मैं बहुत पहले से इसको सालों से यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए, आपके सामने स्कैनर खुल चुका है, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स हैं। अब देखिए, इसमें इतने ज़्यादा स्टॉक्स हैं कि अगर आप रैंडमली सर्च करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मे बी कल का मार्केट क्लोज हो जाएगा, उसके बाद भी आप स्टॉक सेलेक्ट करते ही रह जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे फिल्टर्स दे रखे हैं, और हम लोग इन्हीं का यूज़ करने वाले हैं। इनको हम लोग यूज़ करके बढ़िया स्टॉक्स फिल्टर आउट करेंगे। कैसे करने हैं आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, मेथड बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए, पहले हम लोग को जाना है पॉपुलर के सेक्शन में, हम लोग देन क्लिक करेंगे मार्केट कैप पे, और उसके बाद आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, हम लोग इसको कर देंगे मार्केट कैप को 100 मिलियन, मिनिमम 100 मिलियन का इसका क्या बोलते हैं मार्केट कैप स्टॉक का होना चाहिए। जितना बढ़िया मार्केट कैप स्टॉक का होता है, उतना वो बढ़िया कंपनी होती है। सो मैंने मार्केट कैप को सही कर दिया। उसके बाद आप जाने वाले हैं प्राइस के सेक्शन में। आप प्राइस में जाएंगे, लास्ट पे क्लिक कीजिएगा, है ना, यहाँ पे फिल्टर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग वैल्यू फिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डालूंगा 300 और ऊपर मैं डालने वाला हूँ 1500। मतलब वो स्टॉक्स हम लोग देखने वाले हैं जो 300 से ऊपर हैं और 1500 से नीचे हैं। बहुत ज़्यादा महंगे स्टॉक्स, बहुत ज़्यादा सस्ते स्टॉक्स इंट्राडे में ट्रेड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग आने वाले हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स में, और यहाँ पे एक आपको एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर दिखेगा, ADX, है ना। अब ADX के हम लोग वैल्यू क्या रखते हैं, देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ADX आपको किसी भी स्टॉक के ट्रेंड को इतना सही तरीके से बता सकता है जितना कोई भी अदर इंडिकेटर आपको नहीं बता पाएगा। वैल्यू क्या होती है, अगर आपका ADX मान लीजिए 20 से नीचे है तो मार्केट साइडवेज है, स्टॉक साइडवेज है। 20 से 50 के बीच में है तो क्या है, मार्केट
ट्रेंडिंग है, एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है, और अगर 50 से ऊपर है तो मार्केट क्या है, एग्जॉशन में है, मतलब वहां से रिवर्सल हो सकता है। तो हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे, 20 से 50, है ना। तो हम लोग क्या रखेंगे, ADX की वैल्यू 20 और 50। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको लॉजिक इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि आपको ये पता चले कि आप कितने बढ़िया स्टॉक्स निकालने वाले हैं, जिनका मार्केट कैप अच्छा है, जिनका प्राइस भी अच्छा है और जिनका ट्रेंड भी बहुत अच्छा है। और लास्ट सेक्शन हम लोग का रहेगा फ्रेंड्स वॉल्यूम एंड वॉलेटिलिटी, और यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा बीटा पे। आप बीटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे, बीटा का मतलब होता है कि इंडेक्स के कंपैरिजन में आपका स्टॉक कितना ऊपर और नीचे मूवमेंट करता है। मान लीजिए अगर निफ्टी आपका 1% ऊपर गया और अगर किसी स्टॉक के बीटा की वैल्यू 2 है तो मतलब वो स्टॉक 2% ऑन एवरेज मूव करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको -2 रखेंगे और यहाँ हम लोग कर देंगे +2, ठीक है। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक भी ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, ओके। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा NSE पे, क्योंकि हम लोग NSE के स्टॉक्स केवल देखने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको अच्छे खासे स्टॉक्स मिल चुके हैं। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना है, हम लोग जाएंगे टेक्निकल्स के सेक्शन में और यहाँ पे आपको बहुत सारी डिटेल्स दिखने को मिलेंगी। तो इतना कौन सर्च करेगा, हॉट लिस्ट है ना, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। हम लोग डाउनलोड रिजल्ट्स करेंगे। अब अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन करूंगा और यही सबसे बड़ा गेम है, अगर आप ये समझ गए तो काम हो जाएगा। अब देखिए, जितने आपको टिप सर्विस वाले जो लोग आपको स्टॉक सिलेक्शन का मेथड बताते ना कि आपको अगले दिन इतने स्टॉक्स में बताऊंगा, वो मैक्सिमम इसी स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे बट यूज यही रहता है। हम लोग इसको बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको कलरफुल कर देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जिससे कि आपको सही से क्लियर हो। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पूरी एक्सेल सीट को सेलेक्ट करना है। आप सेलेक्ट करेंगे, डेटा पे जाएंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फिल्टर पे। मे भी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा हो, सॉरी फॉर दैट। कोई भी क्वेरी आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपने फिल्टर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट काम करना है, 15 मिनट के सेक्शन में जाइए, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और सबको अनटिक करके केवल आपको स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल सेलेक्ट करना है। ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग फिल्टर को ऐड करते जाएंगे ना, स्टॉक्स आपके कम होते जाएंगे। वैसे भी 50 स्टॉक में ट्रेडिंग कौन करेगा। आप स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल लेने वाले हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, फिर आप आवरली में आने वाले हैं। यहाँ पे भी केवल आप 15 मिनट में, यहाँ पे भी आप केवल स्ट्रॉन्ग बाय एंड स्ट्रॉन्ग सेल लेंगे। डेली में भी हम लोग वही लेने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बाय एंड स्ट्रॉन्ग सेल आपने ले लिया। वीकली में भी हम लोग वही लेने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल। और हम लोग मंथली में भी वही लेने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल। एक सेकेंड बस, ये देखिए। अब देखिए आपके पास वो स्टॉक निकल के आए हैं जो अगले दिन के लिए या तो स्ट्रॉन्ग बाई के जोन में आते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग सेल के जोन में आते हैं, और इनमें आपको मैक्सिमम टाइम बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगी। आप लोगों ने कितने स्टॉक निकाले, केवल 5 स्टॉक निकाले, है ना। कितने स्टॉक थे हम लोग के पास, 1300 1500 2000 स्टॉक्स थे। हम लोगों ने केवल 4 से 5 स्टॉक्स फिल्टर आउट किए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, आपको एक एक को जाके चार्ट पे देखना पड़ेगा। अडानी पोर्ट्स को हम लोग खोलेंगे, अडानी पोर्ट्स का चार्ट एक बार खोल लीजिए। अब आपके पास वो स्टॉक आ चुके हैं जिनमें आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब अगर आप अडानी पोर्ट्स का ट्रेंड देखेंगे तो देखिए कितना बढ़िया अप ट्रेंड बना हुआ है। अब इसमें आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताइए। अगर आपको ट्रेड लेना होगा तो मैक्सिमम टाइम हम लोग केवल बाइंग की पोजीशन से यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। अब डेली में आपने कन्फर्म कर लिया, अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, बिकॉज हम लोग ट्रेड तो 15 मिनट में ही करेंगे ना, या फिर 5 मिनट में। अब अगर आप देखोगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ज़रा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप शेयर का थोड़ा सा मूवमेंट देखिए, है ना, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक परफेक्ट असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था। अब देखिए जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, शेयर ने जैसे ही ब्रेकआउट दिखाई, देखिए कितनी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली। छोटा सा पुलबैक लिया, फिर यहाँ से एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिली, है ना। मतलब क्या कहने का है कि स्टॉक का जो ट्रेंड है वो अपसाइड है। मैक्सिमम जो अपसाइड के ट्रेड बनेंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे। अब देखिए अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ना, एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। अब क्या बेसिक थ्योरी होती है, अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो हर सपोर्ट पे बाइंग करो, और अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हर रेजिस्टेंस पे सेल करो। अब देखिए यहाँ पे हैमर बनी, यहाँ से मार्केट शूट अप किया, यहाँ फिर हैमर बनी, यहाँ से फिर गया। हर सपोर्ट पे आप बाइंग करते हैं, आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स देखने को मिलता। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक बढ़िया रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। अब अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करेगा स्टॉक, तो आपको इस नेक्स्ट वाले रेजिस्टेंस और टारगेट आसानी से बहुत मिलने वाला है। छोटा सा स्विंग लो, आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, आप ट्रेंड के साइड रहते हैं तो आपका जो स्टॉक होता है वो हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक ट्रेड देता है, मतलब आपका रिस्क छोटा होता है और टारगेट एज कम्पेयर टू रिस्क बड़े होते हैं, और डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब चलिए हम लोग सेकेंड स्टॉक पे आते हैं। अगर आप देखेंगे DLF में तो 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है और आवरली, डेली, वीकली, मंथली में स्ट्रॉन्ग बाई दिखा रहा है। मतलब सब चीज़ें मिल नहीं रही हैं। मतलब क्या है कि इसका जो एक ट्रेंड है 15 मिनट का, शॉर्ट टर्म का, इंट्राडे का, वो डाउन साइड का है ना, और सब अप साइड के हैं। तो मैं इसमें रिस्क नहीं लूँगा, मुझे सभी एक साइड के चाहिए। अब अगर आप देखेंगे हैवेल्स में बाई 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 बाई, तो हम लोग हैवेल्स को देखते हैं, बिकॉज हैवेल्स हम लोग को बहुत बढ़िया तरीके से सेटअप दिखा रहा है।
अब देखिए इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है कि किसी भी स्टॉक का 15 मिनट हावरली डेली वीकली का ट्रेंड अगर अपसाइड है तो मैक्सिमम चांस क्या है कि अपसाइड में अगर आप ट्रेड लेंगे तो बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा, रिवर्सल लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक्चुअली क्या बोलते हैं यू कैन से तरीका है स्टॉक सेलेक्ट करने का। उसके बाद आप किसी भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन रिवर्सल पे ट्रेड लेंगे ना तो आपको बहुत सुंदर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हैवेल्स को अगर मैं डेली में खोलूंगा तो आप देखिए कितना बढ़िया शॉर्ट टर्म में इसका जो ट्रेंड है वो अपसाइड का बना हुआ है। अगर छोटा सा पुलबैक लिया सपोर्ट भी लिया तो अपसाइड का सूटअप दिखाया। अब अगर हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी वही थ्योरी अप्लाई होती है। अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट को ड्रॉ करूँगा ना, यहाँ से देखिए सपोर्ट को देखिए मैंने ड्रॉ किया, मार्केट देखिए यहाँ से ऊपर गया नीचे आए सपोर्ट का हॉल्ट लेके देखिए कितना बढ़िया अपसाइड की रैली दिखाया। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फिर अपसाइड की रैली देखने को मिली। फाइन अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ फिर यहाँ पे अपसाइड की रैली देखने को मिली। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है इसको नीचे क्रॉस प्रॉमिसिंग तरीके से नहीं कर पा रहा है। मतलब क्या है जो स्टॉक का ट्रेंड है वो अपसाइड का है तो मैं हर जगह यही कोशिश करूँगा कि मैं क्या करूँ बाइंग करूँ, है ना। अब देखिए अगर हम लोग प्लान की बात करें बहुत सिंपल मतलब तरीका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे देखिए ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ये वही बता पाएगा जो चार्ट पे टाइम स्पेंड करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टॉक का ट्रेंड क्या है अप है। अब जिस दिन भी स्टॉक अपने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है एक मूवमेंट दिखाता है। यहाँ से देखिए ब्रेक किया एक बढ़िया अपसाइड की रैली देखने को मिली, यहाँ पे ब्रेक किया फिर यहाँ से एक बढ़िया रैली आपको अपसाइड में देखने को मिली, है ना। सो ओवरऑल जो मूवमेंट होती है ना प्रॉमिसिंग मूवमेंट वो अपसाइड में आपको बढ़िया देखने को मिलती है। अब आप अगले दिन क्या कर सकते हो, सिंपल तरीका है यहाँ पे आपको एक परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर ये कल इसको अपसाइड में ब्रेक करता है मैक्सिमम 90% चांस है 95% चांस है कि अगर यहाँ से इसको ब्रेक करेगा ना तो आपको एक टारगेट दिखाएगा ही दिखाएगा। वो छोटा टारगेट भी हो सकता है बड़ा टारगेट भी हो सकता है जो डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस से सीखेंगे। बट आपको अगर पैटर्न ड्रॉ करना आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज़ करना आता है तो आपके पास स्टॉक आ चुके हैं आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन नहीं भी आती है तो डेफिनेटली अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ना तो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना लोग आपको गलत तरीके से बताते हैं मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल तरीके से अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं वो रहेगा JSW एनर्जी। स्ट्रॉन्ग सेल है 15 मिनट में, आवरली में भी स्ट्रॉन्ग सेल है, डेली में बाई वीकली में बाई मंथली में बाई, मतलब सभी चीज़ें एक साथ मैच नहीं कर रही है। मतलब क्या है हम लोग उसको लीव करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक आता है हम लोग को औरोबिंदो फार्मा, ये सभी टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सेल दिखा रहा है तो हम लोग औरोबिंदो फार्मा को चेक करते हैं। अब अगर आप औरोबिंदो फार्मा को देखेंगे तो ये बहुत वीक है ना, डेली के टाइम फ्रेम में हर जगह से यहाँ पे सेलिंग ही देखने को मिलती है। अभी हम लोग चले जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अगर मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ले चलूं तो ये देखिए फ्रेंड्स हर जगह यहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन था ब्रेकडाउन हुआ, देखिए आपको कितनी बढ़िया यहाँ पे डाउन साइड की रैली देखने को मिली। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया देखिए फिर यहाँ से डाउन साइड की रैली देखने को मिली, डबल टॉप का फॉर्मेशन देखने को मिला, यहाँ से भी ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला, यहाँ फिर सेल ऑफ देखने को मिला। मतलब कहने का क्या है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है डाउन है, तो क्या होगा अगर मैं सेल साइड के ट्रेड लूंगा या फिर मैं पुट बाइंग करूंगा या फिर फ्यूचर सेल करूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी इज कम्पेयर टू बाइंग इन स्टॉक्स में ज़्यादा अच्छी होने वाली है, मैं सेल करके बहुत अच्छे पैसे बना सकता हूँ। सेम टू सेम इसका एकदम रिवर्स, अगर स्टॉक का ट्रेंड अप है तो मैं बाइंग करके बढ़िया प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकता हूँ, वहाँ मैं सेल करने की कोशिश नहीं करूँगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो औरोबिंदो फार्मा ने परफेक्ट सपोर्ट पे खड़ा हुआ है 550 के पास, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अपसाइड से भी एक डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का फॉर्मेशन है। अगर आपका औरोबिंदो फार्मा इसको डाउन साइड में ब्रेक करेगा, जब भी ब्रेक करे कल करे परसों करे बहुत ह्यूज मूवमेंट डाउन साइड में देखने को मिलेगी और यहाँ पे आप बहुत बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोगों ने एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव स्टॉक सिलेक्शन मेथड देखा जिसमें आप NSE में बहुत सारे स्टॉक्स हैं कन्फ्यूजन हो जाती है, लोग एक एक स्टॉक को फिल्टर आउट करके चार्ट पे और रिसर्च करते हैं उनका बहुत टाइम जाता है। बट आपको क्या करना है बस स्क्रीनर को एक बार रन करना है, उसके बाद जो भी स्टॉक्स आपको 4-5-6 निकल के आते हैं उसको एक बार चार्ट पे रिसर्च कर लीजिए, जिन स्टॉक्स में आपको कॉन्फिडेंस आता है आप उनमें ट्रेड करने वाले हैं, मैक्सिमम टाइम आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हम लोग एम सेम रहने वाला है 5000 लाइक, और जिनकी भी स्टॉक सिलेक्शन की प्रॉब्लम अगर वीडियो में सॉल्व हुई है तो आप 4 लोगों को इस वीडियो को शेयर करने वाले हैं। सभी लोग कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइए, अपना क्वेरी है तो भी कमेंट कर सकते हैं, कोई पर्सनल क्वेश्चन है आपका ट्रेडिंग रिगार्डिंग तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको डेफिनेटली वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो हम लोग कायम रहेगा एटलीस्ट 1000 कमेंट। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। I'm so happy.
We'll be right back.